जय हो श्री कृष्ण। मैं उत्तरा शर्मा अंबाला हरियाणा से आपको भगवद गीता जी का पाठ सुनाती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों को भी भगवद गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हो श्री कृष्ण। आज मैं सातवें अध्याय का पाठ आपको सुनाऊंगी, अथ सप्तमोध्याय। श्री भगवान वाच। मैया सक्तमनः पार्थयोगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ज्ञानं तेहं सभी ज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यद् ज्ञात्वानेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम् विश्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान चित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम सर्वे मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिदन्ति सिद्धये यतामयि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेति तत्वतः। प्रभु कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति मे भिन्न प्रकृतिरिष्टधा अपरे यमितस्त्वयान्याम प्रकृतिम विद्वी मे प्राम जी भूतां महाबाहो यथेदम रारयते जगत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार से के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एतद्योनिति भूतानि सर्वाणि त्युषधारय अहम कृत्स्य जगत है प्रभव है प्रल्यस्तथा। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जय हो श्री कृष्ण। मत है परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयीं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाइव। प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के दृश्य मुझ में गुंथा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, रसो अहम अपसु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव है सर्ववेदेषु शब्द है हे पुरुषम ऋषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ,
चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में अहंकार हूँ, आकाश में शब्द अर्थात पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। पुण्यो गंध है पृथ्व्याम चैतेजास्मी भावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्मी तपस्वीषु। जय हो श्री कृष्ण। भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में सबका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तृषु बीजम माम सर्वभूताना विद्वी पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये जैव सात्विका भावाराज सास्तामस्माश्च ये मत एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। प्रभु कहते हैं, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री भीरगुण मयैर भावैर भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम व्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ विनाशी को नहीं जानता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव मे ये प्रपन्दन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो विष्णु मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यागम्यं वंदे विष्णु भावयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिवस्त्वैर्वेदैः सांगपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः
ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः तस्मै श्री देवाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगेन्द्रहारं सदवसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगेन्द्रहारं सदवसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो श्री मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ सुनने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करें ताकि वो सतमार्ग पर चलें। भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण।